ए सोमी सोमी हटो आगे से। हाँ कहा था कोपल वहाँ पे सब्जी में पानी लगा था और वहीं पे नहा ले रहे हैं। वो रही सोमी आस्था और उधर है कोपल। कितना हुआ, कितने बड़े बड़े हैं? काफी बड़े बड़े मैंने काट दिए। ए मत उड़ाओ, उड़ाओ मत ऐसे। सच में बाल तो अच्छे थे पर ये। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम, मैं विभा सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी की दुनिया में। कहो कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया मेरी कोई भी वीडियो नहीं गई है, काफ़ी टाइम हो गया। तो आज फिर से मैं मोबाइल उठाई हूँ, मोबाइल कैमरा क्या कह सकते हैं, मोबाइल ही कहते हैं, मेरे पास तो मोबाइल है उसी से शूट करती हूँ। तो मोबाइल उठाई हूँ आज फिर से वीडियो बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो शिवांश। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी बैठी हूँ गैया वैया लगा के घर का काम करके, झाड़ू पोछा बर्तन, और अभी जस्ट बैठ गई हूँ। अब जा रही हूँ नहा के खाना वाना बनाने। तो इतनी गर्मी है, अभी नहाओगे? नहलाऊंगी। इतनी गर्मी है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। समझ लीजिए कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों कर रही हो कोपल, टूट जाएगी। तो सच में ना तो बारिश हो रही है ना कुछ है। अभी अभी लाइट भी चली गई, लाइट वैसे यहाँ कम जाती है पर आज पता नहीं क्यों चली गई है। 10-15 मिनट हो गया लाइट गए, बारिश नहीं हो रही है बेटा। तो फ्रेंड आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है, उस स्पेशल इंसान से, किसी इंसान के लिए आज स्पेशल है तो मैं उससे मिलाना चाहती हूँ आपको। तो आज ये रही स्पेशल इंसान, आप लोग इसको जानते ही होंगे। आज है इनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कोपल। तो फ्रेंड इसकी हेयर कटिंग मैंने की हुई है, देख के कमेंट में बताइएगा जरूर कि कैसे क्यों। देख के हंसी भी आती है, गलती से हो गया था ये, बहुत ज़्यादा ऐसे से हिला रही थी, यहाँ से काटना था इसका बाल, ऐसे से हिला रही थी तो ऊपर से कैंची लग गई, तो पूरा उतना ऊपर से बराबर करके काटना पड़ा। तो चलिए पूछते हैं दीदी से, आने उता उता है तुम्हारी तरफ बर्थडे है तो मुझे नहीं पता। हाँ इनको पता ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, शायद नेउता हो तो आज ना बनाना पड़े खाना, तभी बनाऊंगी उनके तरफ बनाऊंगी, और क्या फर्क बस इतना है आएगा। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स देखती हूँ दीदी से बात बात करके फिर मिलती हूँ। देखिए हमारे घर के बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सब्जी में पानी लगा था और वहीं पे नहा ले रहे हैं। वो रही सोमी आस्था और उधर है कोपल और शिवांश। वो देखिए सोमी नहा रही है किस तरीके से। फ्रेंड जैसा कि मैंने कोपल का बाल काटा हुआ था वीआईपी, अब उसी तरीके से सोमी का भी बाल काटे। मोर ऊपर, अरे बाप रे, मर जा रे, मर जा रे, मर जा रे, मर जा। तो अब मैं सोमी का जा रही हूँ बाल काटने, बताइएगा कैसे काटूंगी। लो आस्था। तो देखिए फ्रेंड मैं सोमी का बाल काटने जा रही हूँ, जिसको आना होगा कटवाने ना आ जाइएगा। कितना चार्ज है, चार्ज कोपल बताएगी। कितना चार्ज है कोपल, किसका बाल काट, बाल काटने का, ऐसे ही बता दो। 500 रुपये। 500 रुपये कम ही बताओ। अच्छा ठीक है, ज्यादा बाल काटना होगा तो 1000-2000, कम बाल काटना होगा तो 1000। एक बाल का 500 रुपए। हाँ तो फ्रेंड एक बाल का 500 रुपए, तो मतलब कटवाना होगा। सोमी सर सही करो, मजाक कर रही थी फ्रेंड्स, आपको जितना देना होगा दे दीजिएगा, है ना चाची। अच्छे बाल थे सोमी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चाची हैं, प्लीज इन्हें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा प्लीज। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन्हें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज फ्रेंड। ये एक छोटी बच्ची की इच्छा है, मेरा बर्थडे है, कोपल नाम है मेरा, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। चाची हमेशा बनाती रहती है मेरा वीडियो, इसलिए प्लीज़ ये मेरी चाची लगेगी। और वो रहा शिवांश,
ठीक है बाय। ये देखिए इतना इतना सोमी का बाल कटा, दिखाना सोमी कितना हुआ, कितने बड़े बड़े हैं, काफी बड़े बड़े मैंने काट दिए। मत उड़ाओ उड़ाओ मत ऐसे। सच में बाल तो अच्छे थे पर इसको ना ट्यूशन जाना होता है सुबह सुबह तो नहीं कर पाती है कंघी। चाकू से नहीं कैंची से सोमी दीदी का बाल काट दिए। इतनी ज्यादा गर्मी है सच में, अभी मैं सो के उठ रही हूँ, कूलर के सामने से निकलने का मन नहीं कर रहा है और अभी बज रहे हैं 5:30। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना टेम्परेचर है। अभी भी मतलब बिल्कुल हटने का मन नहीं कर रहा है। और गाइज मेरे मुंह में ना छाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। आज एक हफ्ता हो गया, बहुत ज़्यादा दवा ले आए हैं लगा रही हूँ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रही है। नींबू पानी ज़्यादा पी रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कंडीशन है बाहर, कितनी धूप है तो एकदम हालत ख़राब हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी से कि अब क्या बताएं। इधर शिवांश भी उठ के आ गया है, वो भाग गया। कहाँ जा रहे हो? हाँ क्या हुआ, ये क्या है? और ये उठते इसको मन चॉकलेट चाहिए थी तो अभी अपने पापा के साथ गया है, मन चॉकलेट लेके आया। मेरा घर फिर से पूरा फैला हुआ है, झाड़ू पोछा मैंने किया हुआ है, बस थोड़े से जो कपड़े हैं उसको तह लगाना करना है। मेरे फ्रेंड्स अभी मैं फिर से एक बार नींबू पानी बना के पीऊँगी क्योंकि इतने ज़्यादा छाले पड़ गए ना कि कुछ ना खाया जा रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो गर्मी से भी बुरी हालत है और अभी शिवांश जगह है, सो के उठा है तो उसको उठते ही मन चॉकलेट जाके ले आया दुकान से, सॉरी एक खा भी लिया, बैठ जाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ उसको थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ क्योंकि वो बिना खाए ऐसे ही सो गया था। गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी है कि मन ही नहीं करता कुछ भी खाने पीने का, तो इसलिए मैं उसको खिला देती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों से अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतने सारे आम आए हैं, ये तो मेरे पेड़ का है, इधर ये बगीचा से आया हुआ है और इतना ही फ्रिज में रखा है। मैं सोच रही हूँ उसका आम पापड़ बना लेती हूँ और अभी थोड़ा बहुत ये खा भी लिए और एक दो जन को दे भी दिए। और इधर देखिए गिलास में मैंने भी थोड़ा सा खा के रखा है और इतना ही जाएंगे छत पे और आंगन में तो इतना ही फिर से मिलेगा। हो गया है रात का टाइम, रात का समय हो गया और मेरा खाना जो है आटा मैंने गूंद के रख लिया है, सब्जी मेरी दोपहर की ही बची हुई थी। क्या बोलना है, आज पोपल का बर्थडे है तो ये बैलून फुला रहे हैं तो वहाँ से गया था एक बैलून लेके आ गया शिवांश, है ना शिवांश, ले आ लिए बैलून। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग यही बोलोगे कि बार बार यही बोल रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, वो छाला है ना मुँह के छाले से बहुत ज़्यादा परेशान। तो चलिए ये नहा रहे हैं, अब हम लोग भी नहाएंगे। हाँ लाइट आ गई, तो अब चल रहे हैं रोटी वोटी बना के, हम लोग भी नहाएंगे। ये नहा लिए मैं और शिवांश रह गए नहाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट बर्तन और कपड़े धो के आ रही हूँ रात में, बर्तन पूरा निपटा ली क्योंकि आज का जो रात का जो खाना है ना तो आज दीदी की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है न्योता जैसा ऐसा नहीं है पर हो गया, हम लोग एक परिवार हैं तो कोई वो तो आज उधर ही खाना पीना खाएंगे, आज कोपल का बर्थडे भी है। तो मैं जा रही हूँ दीदी की तरफ और मैंने बर्तन धो लिए, कपड़े मैं सिर्फ धो के रख दी हूँ, अभी उसको पानी से निचोड़ ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे यहाँ का जो मोटर का जो वो है ना बोर्ड है उसी में सिर्फ वही एक बोर्ड काम करता है जो कि आप लोगों को दिख रहा है पीछे, तो इसी में मैं लाइट जलाई क्योंकि आंगन में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। एक दिन सांप देख ली थी मैं, तब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो चाहे आप उसी में से लाइट जला लो चाहे मोटर चला लो। तो अभी धो के रख ली हूँ कपड़े, अब सुबह क्या करूँगी, सुबह उसको निचोड़ लूँगी मोटर चला के। तो चलिए चलती हूँ दीदी की तरफ, देखती हूँ क्या कैसा है वहाँ पे, आप सबको भी दिखाती हूँ। ये बिट्टू है ये आस्था लोग, ये लोग एकदम तैयार हैं, ये देखिए आज इनका बर्थडे। इधर खड़ी जाओ पोपल, रेडी नहीं हुई, इतनी गर्मी है कि रेडी होने का मन नहीं करता। ये देखिए ये इनका बर्थडे है, ये है बिट्टू राम बिटू, हाँ दिखा दो थोड़ा सा, रहने दो उसको नहीं पसंद है, रहने दो कोई बात नहीं। तो कहाँ है डेकोरेशन, कहाँ है ए बलून वलून, कहाँ है सब बंद है वीडियो भाई, बलून वलून कहाँ है। वो कहाँ है बलून वलून, नया फोन आ गया। ये कोपल का केक है,
प्योर खोवा का है जो कि नीचे पत्थरा तो नहीं है, कोपल कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। इधर करो, इधर हो, ये देखा, ये इसमें पत्थर है लगता है, पत्थर ये है। बोली है कि सब अंडा का केक कटवाते हैं, मैं वो करूंगी, खोए का बनाऊंगी, प्योर खोए का केक है। ए सोमी हटा आगे से, सोमी हटा, ए सोमी, सोमी हटो आगे से, हाँ काटा कोपल भाई, काला मुंह हो बड़ी दिखा पे।